नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। हम शुरू करने वाले हैं एक नई पुस्तक, आपकी तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से। हम आज करने वाले हैं पाठ संख्या एक, और पाठ संख्या एक है बच्चों एक बहुत ही सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है फूल के बोल। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमें दी हुई है बच्चों चित्र पर आधारित गतिविधि। आप जानते हो गतिविधि किसे कहते हैं, कोई एक्टिविटी जिसमें हमें कोई कार्य करना होता है। और आपको क्या करना है, उपयुक्त फूलों के चित्रों को पहचान, उनके नाम बताओ। आपको इन फूलों के नाम लिखने हैं और साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि हमारे जीवन में फूलों के महत्व को अपने शब्दों में स्पष्ट करेंगे आप। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये गतिविधि अच्छे से संपन्न करेंगे। और आगे चलते हैं, अब हम करते हैं कविता में प्रवेश। किसी की सफलता या उपलब्धि केवल उसकी ही कमाई नहीं होती, उसके पीछे उसके कितने ही अपनों का परिश्रम और संघर्ष जुड़ा होता है। यदि इस सच्चाई को सब जान लें तो वे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने इसी बात को वसंत और फूल के माध्यम से बड़े सुंदर रूप में अभिव्यक्त किया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमसे ये कहना चाहता है कि जिसे हम अपनी सफलता समझ रहे हैं, हम अपना प्राप्त किया हुआ सारा श्रेय हम खुद ले रहे हैं, वह हमारी सफलता तो है लेकिन उसके पीछे हमारे अपनों का, हमारे शुभ चिंतकों का परिश्रम, संघर्ष और त्याग भी जुड़ा है। हमें उसे नहीं भूलना चाहिए, हमें उसके लिए उन्हें हमेशा धन्यवाद देना ही चाहिए। आइए शुरू करते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। कवि कहता है कि जब उसने क्यारी में हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे, मतलब बहुत से सुंदर सुंदर खिले खिले फूल देखे, तो उसका जी तृप्त हो गया, मतलब उसके हृदय में संतोष भर गया। नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी। फूलों की खुशबू हम कहाँ से लेते हैं बच्चों, अपनी नाक से, नथनों से। जब उसने वो खुशबू ली तो ऐसा लगा जैसे नथनों से उसके प्राणों तक वो खुशबू चली गई हो। आँखों में हो गई रंगों की बरसात, और इतने सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल थे कि कवि को ऐसा लगा जैसे उसकी आँखों में ही रंगों की बरसात शुरू हो गई हो। अनायास कह उठा, वाह धन्य है बसंत ऋतु। और कवि के मुँह से अचानक ही निकल गया कि धन्य हो तुम वसंत ऋतु। अब वसंत ऋतु में क्या होता है बच्चों, बहुत से सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे जिनमें बहुत खुशबू होती है। तो कवि के मुँह से निकल गया धन्य है वसंत ऋतु, क्योंकि आप आई हो तो ये सारे फूल खिले हैं, और वो इस चीज़ के लिए वसंत ऋतु का धन्यवाद करता है। लौटने को पैर ज्यों बढ़ाए, जैसे ही कवि उस क्यारी से लौटने को हुआ, मुड़ा उस क्यारी से जाने के लिए, जो क्यारी के कोने में दुख का एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा। तो कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि क्यारी के एक कोने में एक बहुत नन्हा सा फूल कुछ बोल रहा है। और क्या बोल रहा है वो, सुनो एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ, धन्य है वसंत ऋतु, ठीक है। तो वो कहता है कि ये ठीक है कि आप वसंत ऋतु को धन्य बोल रहे हैं, उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा सत्य बताना चाहता हूँ, आपको उससे अवगत कराना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। हमने यानी मैंने, मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल। तो वो नन्हा फूल कहता है कि आप वसंत ऋतु को धन्य मानते हैं, ये ठीक है,
लेकिन मैं आपको इस सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो उसकी धन्यता है, जिस चीज़ के लिए वो धन्य है कि वसंत ऋतु आते ही बहुत से फूल खिल जाते हैं, मौसम सुहाना हो जाता है, ये केवल वसंत ऋतु की कमाई नहीं है, उसके अकेले की कमाई नहीं है, वह हमने रची है, वह तो हमारे द्वारा रची गई है। हमने यानी किसने? उस फूल ने और उसके अनेक उस जैसे अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर, जिसने अपनी अपनी जगह पर रहकर बहुत सारी चीज़ों को झेला है, बहुत कष्ट भी झेला है, धूप झेली है, बरसात झेली है, जाड़ा झेला है, पाला झेला है, सूरज को तपा है पूरी आयु, एक पूरी आयु सूरज की गर्मी भी बर्दाश्त की है। पाँव पर तुमने ऋतु को बखाना, एक पाँव पर पूरे आयु सूरज की गर्मी बर्दाश्त की है, पर हे कवि, तुमने तो सिर्फ एक ऋतु का ही बखान कर दिया। पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लौ को देख सके? क्या तुमने हमारे अंदर उस आशा को एक बार भी देखने की कोशिश की, जिसके बल मैंने और इसने और उसने, इसने और उसने से तात्पर्य है बाकी सभी फूलों से है, कि जिसके बल पर मैं और मेरे सभी साथी, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। जब फूल के लिए बीजारोपण किया जाता है तो वो कहाँ दबाया जाता है? मिट्टी के अंदर। तो उनके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी लौ है कि उन्होंने मिट्टी का वो अंधेरा फोड़ा, वहाँ से पौधे के रूप में बाहर आए और हमने सूरज से आंखें मिलाई हैं। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। यदि तुम उसे जानते, उस सारे संघर्ष को जानते जो हमने किया बसंत ऋतु के लिए, तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, तो तुम एक ऋतु में और भी ज़्यादा रंग भर देते। अर्थात फूल ये कहना चाहता है कि कवि अगर बसंत ऋतु को धन्य कह रहा है तो वह केवल बसंत ऋतु की ही कमाई नहीं है, अपितु उसमें फूलों का भी बहुत योगदान है। क्यारी में पड़े हुए फूल और उसके अनगिनत साथियों ने धूप, बरसात, जाड़ा, पाला, सूरज की गर्मी सब कुछ झेला है। कवि उस बल को नहीं जानता, उस शक्ति को नहीं जानता जिसके बल पर वो मिट्टी का अंधेरा फोड़कर सूरज से आंखें मिलाने के लायक हुए हैं। अर्थात फूल कहना चाहता है कि इस बसंत ऋतु के बखान में हमारा भी उतना ही योगदान है। यदि बसंत ऋतु धन्य है रंग बिरंगे फूलों को लेकर आने से, तो हम रंग बिरंगे फूलों के कारण ही बसंत ऋतु धन्य है। और इस कविता के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ हमें दिए हुए हैं कठिन शब्द, जिन्हें आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। मैं एक बार इन्हें आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्यारी, तृप्त, नथुनों, प्राण, ठाव, अनायास, बसंत, ऋतु, दुबका, सत्य, धन्यता, अनगिनत, पाला, बखाना, लौ। और फिर हमें दिए हुए हैं शब्दार्थ। ठीक है बच्चों, इन्हें आपको याद करना है और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखना है। तृप्त, तृप्त का अर्थ है संतुष्ट, जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो। धन्यता, सौभाग्यशाली होने का भाव। अनायास, बिना प्रयत्न के अपने आप। ठाव, स्थान, ठिकाना। दुबका, छुपा हुआ, पता है गर्मी को सहन किया है। बखाना, वर्णन किया, प्रशंसा की। अब हम करते हैं बात पाठ की। ये बच्चों आगे हमें मिलेगा अभ्यास कार्य। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि कवि के तन प्राण संतुष्ट हो गए? इसके लिए मैं आपको दोबारा से कविता पर ले चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि किन पंक्तियों से पता चलता है कि कवि के प्राण संतुष्ट हो गए।
हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कवि के प्राण संतुष्ट हो गए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। खिंच गई गंध की लकीर सी से कवि का क्या आशय है? इससे कवि का आशय है कि जब उसने उन फूलों की गंध ली तो ऐसा लगा कि मानो नथुनों से लेकर प्राणों तक वो खुशबू चली गई हो, मानो गंध की लकीर नथुनों से होती हुई उसके प्राणों तक पहुंच गई हो। कवि ने वसंत ऋतु को धन्य क्यों माना? कवि ने वसंत ऋतु को धन्य इसीलिए माना क्योंकि वसंत ऋतु ही एक ऐसा मौसम है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। उन रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि ने वसंत ऋतु को धन्य माना। नन्हे फूल ने कवि को क्या सत्य बताया? नन्हे फूल ने कवि को यह सत्य बताया कि आप वसंत ऋतु को धन्य कह रहे हैं, पर वह अकेली ही धन्य नहीं है, वह उसकी अकेले की कमाई नहीं है। हमने भी बहुत कुछ झेला है, गर्मी, बरसात, सर्दी, सूरज की गर्मी, उसके बाद ही वसंत ऋतु धन्य हुई है। तो नन्हे फूल ने कवि को यह बताया कि वसंत ऋतु की सफलता में हमारा भी बराबर का श्रेय है। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें यहाँ दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। फूलों के रंग व गंध के लिए कवि ने किसे धन्य माना? वसंत ऋतु को। तो मैंने यहाँ सही का चिन्ह लगाया है वसंत को पर। हंसते खिलखिलाते फूल देखकर कवि को कैसा अनुभव हुआ? तृप्ति का। किसने कवि का सत्य से परिचय कराया? नन्हे फूल ने। कविता के अनुसार सूरज की तपन को किसने झेला? फूल के सभी साथियों ने। चलिए आगे चलते हैं। भाव स्पष्ट करो। यहाँ हमें इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। आंखों में हो गई रंगों की बरसात, इस पंक्ति से हमें यह भाव स्पष्ट होता है कि कवि ये कहना चाह रहा है कि इतने रंग बिरंगे फूल थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में ही रंगों की बरसात शुरू हो गई हो। तो कवि ने यहाँ पर फूलों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंगों का वर्णन किया है। सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर। यहाँ इस पंक्ति का भाव यह है कि नन्हा फूल कवि को यह बता रहा है कि हमने एक पांव पर खड़े होकर पूरी उम्र सूरज के ताप को तपा है, हमने बहुत तपस्या की है, हमने हर तरह की कठिनाई झेली है, तभी हम इतने सुंदर रंग बिरंगे हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फूल ने अपने और अपने साथियों की किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया है? फूल ने अपने और अपने साथियों के लिए कहा है कि उन्होंने हर तरह का मौसम झेला है, गर्मी, सर्दी, बरसात, जाड़ा, पाला, सूरज का ताप सहा है, मिट्टी के अंधेरे को चीर कर सूरज से नजरें मिलाई हैं। ये सारी कठिनाइयां झेलने के बाद ही आज उनका ये रूप उभर कर सामने आया है जिसके लिए वसंत ऋतु को धन्य कहा गया है। क्यारी में खिले फूलों को देखकर कवि को तृप्ति का अनुभव क्यों हुआ? इतने सुंदर हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की जब कवि ने गंध ली तो ऐसा लगा मानो कवि के नथनों से प्राणों तक वो गंध समा गई हो, और इतने सुंदर सुंदर फूलों के रंग देखकर ऐसा लगा जैसे कवि की आंखों में से रंगों की बरसात शुरू हो गई हो। इसीलिए इन सभी खिले फूलों को देखकर कवि के को तृप्ति का अनुभव हुआ। फूल ने यह क्यों कहा कि वसंत की धन्यता फूलों की रची हुई है? फूल ने यह इसीलिए कहा क्योंकि वसंत की धन्यता केवल वसंत में ही नहीं है,
वह धन्यता उनके फूलों द्वारा रची हुई है जो कि हर तरह की कठिनाई को झेलकर खिले हैं, उनमें रंग आया है, उनमें सुगंध आई है। यहाँ फूल के इस तरह कहने का तात्पर्य है कि किसी भी एक व्यक्ति की सफलता केवल उसकी ही सफलता नहीं है, अपितु उसके पीछे उसके बहुत से शुभचिंतकों और अपनों का संघर्ष, परिश्रम और त्याग भी सम्मिलित है। लौ किसका प्रतीक है? लौ उस बल, उस ताकत, उस शक्ति का प्रतीक है जिसके सहारे फूलों ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ा है और बीज में से पौधा फूटा है। इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों कि इस कविता द्वारा कवि यह संदेश देना चाहता है कि कभी भी किसी की सफलता का पूरा श्रेय उसे देना या यह समझना कि ये सफलता सिर्फ हमारी है और इसे केवल हमने ही अर्जित किया है, यह गलत है। उस सफलता के पीछे आपके अपनों का, आपके शुभचिंतकों का, आपके मित्रों का भी परिश्रम, संघर्ष और त्याग शामिल है और हमें इसके लिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।